न्यूज नेशन वॉइस। बलिया जिला के उभाव थाने के कोतवाल ज्ञानेश्वर मिश्रा चिकित्सा विभाग के विवादों में घिरे हुए हैं। एसडीएम के संग समझौते के लिए चिकित्सा शिविर में पहुंचे कोतवाल ज्ञानेश्वर मिश्रा पत्रकारों से उलझ गए। पत्रकारों से क्यों उलझ गए कोतवाल ज्ञानेश्वर मिश्रा और क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आपका जो काम हो आप करेंगे, हमको जो काम करना हो सर आप काम करेंगे। पत्रकार हैं कि नहीं है? ठीक है सर, वो आपका अपना मुझे कार्ड दिखाइए जी जी, इसके बाद बताइए। और पुलिस के चरित्र पे महिमा मंडन बंद कर दीजिए। अच्छा, चरित्र का जो आप महिमा मंडन कर रहे हैं, ये मेरा भाई से लिख लीजिए। ठीक सर, अभी मीडिया में फ्लैश कर रहा हूँ जी जी, ठीक है। मैं अपने ट्विटर पे डाल रहा हूँ आपके पत्रकार महोदय को कि आप इनका भेजा हुआ एक बार आप लोग भी देख लीजिए पत्रकार इन्होंने क्या भेजा है। पूरा मामला बलिया जिला के उभाव थाने का है, जहां पर कोतवाल ज्ञानेश्वर मिश्रा बेलथरा रोड में चिकित्सा विभाग से पदों में घिरे हुए हैं। हुआ यूं कि कोतवाल साहब ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने स्थान पर दो सिपाहियों को भेज दिया, जहां पर मौजूद डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद कोतवाल साहब को गुस्सा आ गया और हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर साहब को खरी खोटी सुनाने लगे और गुस्से में यहां तक कह दिया कि फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए तो तुम्हें खुद थाने बुलवा लूँगा। मैं डॉक्टर साजिद हुसैन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी CSCCR। कल जो घटना हुई है, थाना प्रभारी यहाँ पर आए थे उभाव थाना, उन्होंने मेरे साथ वो यहाँ के कर्मचारियों के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। उनका फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने को लेके ये हुआ था, वो स्वयं ना आके अपने दो पुलिस कर्मी भेजे थे, उसके बाद उनसे कहा गया कि उनको स्वयं आना पड़ेगा और उनका कोरोना जांच करवाना पड़ेगा, जिससे वो बहुत ही झल्लाते हुए हम लोगों से भिड़ गए और बहुत ही अपशब्द शब्द का उन्होंने उपयोग किया और उसके साथ ही कहा कि हम तो ये काम थाने बुलवा के भी करवा लेंगे। इस चीज से हम लोग बहुत ही मतलब क्षुब्ध हैं, बहुत ही दुखी हैं इस चीज को लेके। आज हम लोग अपना टीकाकरण व OPD सेवाएं सब ठप किए हैं, सिर्फ हमारी इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी और इनके वजह से ये जो थाना प्रभारी हैं इनके वजह से हम लोग बहुत ही आहत हुए हैं और इनके रहते हम लोगों को कार्य करने में बहुत ही असमर्थ हैं, इनके रहते हम लोग काम नहीं कर सकते, ऐसे इस माहौल में, इस पुलिसिया और इस रुआब में, इस डर में, हम लोग भय में काम नहीं कर सकते। घटना के बाद डॉक्टरों में काफी रोष दिख रहा है, उन्होंने इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी सेवाएं ठप कर दी, जिसके बाद कोतवाल ज्ञानेश्वर मिश्रा आज सुबह 11 बजे समझौते के लिए CSCCR में SDM सर्वेश यादव के संग वार्ता करने पहुंचे। वार्ता के बाद पत्रकारों ने SDM साहब से जब बात करने की कोशिश की तो तेवर में आकर क्या कहा खुद सुनिए। जो यहाँ पे होगा हम लोग बैठ के अपना जो होगा वो कल आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नहीं, जो विवाद उपजा था उसके बारे में आखिर कुछ बोलेंगे नहीं आप लोगों की जो वार्ता हुई? हाँ हाँ। उसकी फाइनली क्या हुआ? आप लोग फोटो खींचने आए हैं कि अभी हमारा कंक्लूजन जानने आए हैं? नहीं, कंफ्यूजन नहीं, हम डिसीजन जान अभी नहीं है हमारे पास, अब डिसीजन नहीं है। ओके सर। विवाद तब बढ़ गया जब पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया। एक तरफ तो SDM सर्वेश यादव का तेवर, तो दूसरी तरफ कोतवाल साहब का गुरूर, वर्दी और पावर के नशे में पत्रकारों से उलझ गए और कुछ भी करने की धमकी तक दे डाली। नहीं, जो विवाद उपजा था उसके बारे में आखिर कुछ बोलेंगे नहीं आप लोगों की जो वार्ता हुई? हाँ हाँ। उसकी फाइनली क्या हुआ? आप लोग फोटो खींचने आए हैं कि अभी हमारा कंफ्यूजन जानने हैं? नहीं, कंफ्यूजन नहीं, हम डिसीजन जानने अभी नहीं है हमारे पास, अभी डिसीजन नहीं है। ओके सर। आपका जो काम हो आप करेंगे, हमको जो काम करना हो सर आप काम करेंगे। पत्रकार हैं कि नहीं है? ठीक है सर, वो आपका अपना मुझे कार्ड दिखाइए जी जी, इसके बाद बताइए। और पुलिस के चरित्र पे महिमा मंडन बंद कर दीजिए। अच्छा, चरित्र का जो आप महिमा मंडन कर रहे हैं, ये मेरा भाई से लिख लीजिए। ठीक सर, अभी मीडिया में फ्लैश कर रहा हूँ जी जी, ठीक है। मैं अपने ट्विटर पे डाल रहा हूँ आपके पत्रकार महोदय को कि आप इनका भेजा हुआ एक बार आप लोग भी देख लीजिए पत्रकार इन्होंने क्या भेजा है।
और आप जो महिमा मंडित कर रहे हैं, अनाथ अनाथ पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, इसको बंद करिए, इसकी जांच होगी, ठीक ना? आपने अभी जो मेरा कोई बाइक लिया चाहे जो करिए, आप जो अनाथ अनाथ गलत सीधा आरोप लगा रहे हैं, विजय कुमार बदिया जी, इसको बंद कर दीजिए। साबित नहीं होगा तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो तो स्वतंत्र है सर, ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं इसको बंद कर दीजिए, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। वो तो सर स्वतंत्र हैं, आप अधिकारी हैं इंस्पेक्टर। मैं डॉक्टर साजिद हुसैन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सीएससीसीआर। यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब और यहाँ के थाना प्रभारी जो हैं ज्ञानेश्वर मिश्रा जी आए, हमसे बात हुई। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी अपनी जो कही हुई बातें थी उसके लिए क्षमा प्रार्थी थे, और उसी बीच में हमारे हरिमंदर सर जो इस समय इंचार्ज हैं, सीएमओ सर अभी हैं, और अभी नए वाले जो सीएमओ सर हैं वो भी ज्वाइनिंग कर लिए हैं, और वो दोनों लोग शायद यहाँ पे आने के लिए बोल के गए हैं, तो उनके आने के बाद ही डिसीजन होगा, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। नहीं, क्या कोतवाल साहब ने माफी मांगी क्या? जी, क्या उन्होंने कहा आपसे? नहीं, वो कहे कि जो भी हमने किया, जो भी हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं, उन्होंने गलती अपनी मानी कि नहीं मानी? गलती मान लिया, मान गए, अपनी गलती मान लिया। अभी हमारे उच्च अधिकारी आते हैं, वो कहें कि हम आने के बाद आप मुझसे बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे। नहीं, जैसे सार्वजनिक स्तर पर उन्होंने जो है आपके साथ अभद्रता की, बंद कमरे में ये बात चल रही है, ये आपको क्या लग रहा है? नहीं, तो बंद कमरे में हम माने नहीं है, उन्होंने अपना अपनी जो है क्षमा प्रार्थी, मतलब वो क्षमा मांगे हैं, लेकिन हम जो है हमारे सीएमओ साहब आ जाते हैं जो मेरे वो, उसके बाद ही हम अपना डिसीजन, अभी हम नहीं माने हैं हमारी तरफ से कुछ। बंद कमरे में निर्णय लेने के लिए किसी तरह का दबाव दिया गया? नहीं, हम फ्री थे।